हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन सीएनएल द क्लासेस। तो अब हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम पूरे के पूरे सब्जेक्ट का और हर चैप्टर का, हर टॉपिक का पोस्टमार्टम करते हैं, जिससे कि आपको बार बार करने की जरूरत नहीं और कोई भी चीज आप लर्न नहीं करते, समझते हो। ये एनजी क्लासेस, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमने बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक बहुत सुपर बुक कवर करी है। सबसे पहले तो अपने लॉजिक दिए हैं आपको, थ्योरी और प्रैक्टिकल बोथ। फिर हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, फिर हमने पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, मॉड्यूल ये वो सब कवर किया, और फिर हम स्पेसिफिकली मॉड्यूल भी कवर करते हैं वर्ड टू वर्ड। तो पहले थ्योरी प्रैक्टिकल हम सब समझाते हैं अपने वर्ड्स में, अपने तरीके से प्रेजेंटेशन समझाते हैं, हर चीज आपको कराते हैं, और फिर मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल एक तरीके से हमारी रिविजनरी क्लासेज होती हैं, पूरा का पूरा मॉड्यूल। तो फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, सीए, सीएमए, सीएस, व्हाटएवर द केसेस, जो भी हम सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं तो उसमें यही सब करते हैं। ऐसे रिजल्ट्स नहीं आते हमारे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक किया करो हर वीडियो का, बहुत कुछ मिलेगा। चलो जी, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल। तो बहुत बढ़िया तरीके से, तो ऑलरेडी पोस्टमार्टम हम हर चीज का कर चुके हैं, क्या क्यों कैसे। इवन अब हम चैप्टर कर रहे हैं आज जैसे रेशियो एनालिसिस, तो इवन मैंने आपको यह भी समझाया है कि ये रेशो ऐसी ही क्यों होती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या इंटरप्रिटेशंस हैं, हर चीज की आपने इंटरप्रिटेशन एनालाइजिंग सीखी है, तभी तो एनजी क्लासेस डिफरेंट है। चलो फटाफट से, तो पूरा लॉजिक सब कुछ हम ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम रिवीजन के रूप में मॉड्यूल जरूर करते हैं। आओ जी, आओ फटाफट से। तो मॉड्यूल रेशो एनालिसिस, बिल्कुल सही बात है, तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो रेशो एनालिसिस, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, रेशो एनालिसिस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटर रिलेटेड टर्म्स। फंक्शनल वर्ड का मैंने आपको मतलब बताया था कि डिपेंडेंसी, तो एक चीज पे दूसरी चीज डिपेंडेंट होती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फंक्शनल। फंक्शनल चीज बोलते हैं उसको। तो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटर रिलेटेड टर्म्स, तो ऑब्वियसली बात है आप रेशो सिर्फ उन्हीं दो चीजों की फाइंड करोगे जिनके बीच में कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से कोई रिलेशनशिप है, और जो किसी ना किसी एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन या डिसीजन मेकिंग के काम में आती है। तो सबसे पहले रेशो एनालिसिस करके आप क्या करोगे, आप रेशो एनालिसिस करके भैया अपनी शॉर्ट एनालिसिस करोगे। सबसे पहले तो आप देखोगे आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, फॉर एग्जाम्पल पीएनएल है, बैलेंस शीट है, अदर स्टेटमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे आप रेशियो एनालिसिस करोगे। तो पीएनएल अगर आपने लिया है और पीएनएल से रिलेटेड आप रेशियो एनालाइजिंग कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि आपकी ऑपरेशनैलिटी से रिलेटेड क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ हैं, क्या क्या आपके स्ट्रेंथ पॉइंट्स हैं, सेल्स कितनी कर पाते हो आप, सेल्स के रिलेशन में कॉस्ट का क्या प्रपोर्शन है। तो हर चीज आपने देखी, ऑपरेशनैलिटी, एफिशिएंसी है ना, इफेक्टिवनेस जज करी डिसीजन मेकिंग ऑफ द मैनेजमेंट की, ठीक है। आपको आपके वीक पॉइंट्स पता चलेंगे कि कहां कहां आपकी वीकनेसेस हैं, कहां कहां इन एफिशिएंसीज देखने को मिल रही हैं, ट्रेंड एनालिसिस क्या कह रहा है, कंपैरिजन विद द कॉम्पिटिटर्स क्या कह रहे हैं, तो जो बेंचमार्क्स, जो स्टैंडर्ड्स आपने सेट करे थे उससे कितना डेविएटेड है, क्या रीजन है उस डेविएशन का, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यहां पे इसके साथ स्टडी और एनालाइज करनी पड़ेगी, है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, सब्जेक्ट्स आइसोलेशन में नहीं पढ़े जा सकते, उनको आप कंपाइल करके ही पढ़ सकते हो। तो जब आपने अपनी स्ट्रेंथ देखी, वीकनेसेस देखी, तो उन वीकनेसेस पे आप काम करोगे, उन वीकनेसेस को धीरे धीरे कम करोगे और उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करोगे, ताकि मार्केट में जो चीज़ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ग्रैब कर सको और थ्रेट्स को मैनेज और मिटिगेट कर सको, मिनिमाइज कर सको, मतलब इवन थ्रेट्स को भी अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सको। तो ये सब रेशियो एनालिसिस करेगी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेशियो एनालिसिस इज डिसीजन मेकिंग, इंटरप्रिटेशंस है ना, पॉलिसी फॉर्मुलेशंस उसके काम में आती है। वाह, बहुत सुपर, बहुत सुपर। बाकी तो पूरा पोस्टमार्टम मैंने कर ही रखा है। नाउ रेशोज एंड द रेशो एनालिसिस, द डेफिनेशन ऑफ द रेशो, तो अगर मैं बोलूं एक सिंपल रेशो की डेफिनेशन क्या है, द इंडिकेटेड कोशेंट ऑफ टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस एज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर थिंग्स। हेयर रेशो मीन्स फाइनेंशियल रेशो और अकाउंटिंग रेशो विच इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स। तो ये बहुत रीजनल सी दे रखी है मैंने, जो आपको बताई बड़ी टेक्निकल डेफिनेशन है, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटर रिलेटेड टर्म्स, दैट इज नोन एज अ रेशो। नाउ द टर्म द फाइनेंशियल रेशो कैन बी एक्सप्लेन बाय डिफाइनिंग हाउ इट इज कैलकुलेटेड एंड वाई, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैलकुलेशन इज। नाउ द कैलकुलेशन बेसिस, तो ऑब्वियसली बात है जब भी आप रेशो कैलकुलेट करते हो तो एक मैथमेटिकल टर्म में आप एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हो, बिल्कुल सही है, बिटवीन टू इंडिविजुअल फिगर्स, ग्रुप ऑफ फिगर्स।
कनेक्टेड विद ईच अदर इन सम लॉजिकल मैनर, तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड है. सिलेक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंसर्न, दैट इज नोन एज अ फाइनेंशियल रेशियो. नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल रेशियो का क्या मतलब है? शॉर्ट एनालिसिस, तो आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी एफिशिएंसी, उसकी इफेक्टिवनेस, उसके मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग पावर एंड हाउ एफिशिएंटली द रिसोर्सेज आर बीइंग यूटिलाइज्ड, वेरियस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड अदर स्ट्रेटजीज की एक तरीके से इवेल्युएशन करते हो आप. फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता करते हो उसकी, और फिर डिसीजन मेकिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन के काम में आती है वो चीज. तो परफॉर्मेंस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वट एवर द केसेज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को जज किया जाता है एंड कैन टेक डिसीजंस इन रिलेशन टू द फर्म. सिंपल सी बात है. नाउ रेशियो एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ सिंगल अकाउंटिंग फिगर, देखो मैं पूरा का पूरा लॉजिक, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुका हूं आपको, उसके बाद ये रिवीजन चल रही है, ठीक है जी. तो वो जो हम लॉजिक समझते हैं ना, बस वो ये सबसे खतरनाक चीज, क्योंकि हर चीज का क्या क्यों कैसे इंटरप्रिटेशन एनालाइजिंग हर चीज आपने तोड़ फोड़ करके सीखी है, और कोई भी फॉर्मूला अब आप याद नहीं करते, आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में उसको खुद डिराइव कर लेते हो, है ना, बहुत ईजी हो गई है वो चीज. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, सिर्फ फॉर्मूले याद करके क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट एजुकेशन. तो रेशियो एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ सिंगल अकाउंटिंग फिगर बाय इटसेल्फ मे नॉट कम्युनिकेट एनी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन. यही मैंने आपको सबसे पहली क्लास जब रेशियो की हुई थी तब मैंने आपको बताया था कि एक आइसोलेटेड टर्म डज नॉट कन्वे एनी पर्पस फॉर द एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन डिसीजन मेकिंग कंपैरिजंस. तो इफ यू वांट टू टेक द डिसीजंस, यू वांट टू मेक द कंपैरिजंस, यू वांट टू टेक सम पॉलिसी फॉर्मुलेशन स्ट्रेटजीज एंड समथिंग एल्स, देन यू हैव टू कंपेयर दोज फिगर्स विद सम रिलेटेड फिगर्स, देन ओनली यू विल बी एबल कि आप कंपैरिजन कर सको, आप स्ट्रेंथ वीकनेसेस का पता कर सको, आप पता कर सको कि कौन सुपीरियर है कौन इंफीरियर है, तभी हो सकता है. बट व्हेन एक्सप्रेस रिलेटिव टू सम अदर फिगर, रिलेटिव टू सम अदर फिगर, उसको जब किसी अदर फिगर से रिलेट करके आप स्टडी और एनालाइज करते हो तब मजा आता है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि कंपनी ए है कंपनी बी है, कंपनी ए के प्रॉफिट्स हैं 10 लाख, कंपनी बी के प्रॉफिट्स हैं 20 लाख, कौन सी कंपनी अच्छी है? अरे भैया हमें नहीं पता कौन सी कंपनी अच्छी है जब तक आप कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बताओगे. कंपनी ए में कैपिटल एम्प्लॉयड है 20 लाख रुपीज, कंपनी बी में कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 करोड़ रुपीज. तो 20 लाख रुपए लगा के 10 लाख प्रॉफिट कमा रहा है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का 50% कमाता है ये, अपनी कैपिटल का 50%, ये अपनी कैपिटल का 20% अर्न कर रहा है. तो इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज है पर रुपी इन्वेस्टेड, उसका जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा रिटर्न है, बहुत ज़्यादा सॉलिड चीज़ है. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जब आप कंपैरिजंस करना चाहते हो तो किसी भी एक टर्म के बेसिस पे आप कंपैरिजंस नहीं कर सकते. आप नहीं बता सकते कि कौन एफिशिएंट है कौन इफेक्टिव है, किसकी स्ट्रेंथ्स हैं क्या वीकनेसेस हैं, नहीं बता सकते जब तक आप उसको किसी रिलेटेड टर्म के साथ स्टडी और एनालाइज ना करो, ठीक है जी. तो रेशियो एनालिसिस इज नॉट जस्ट द कंपेयरिंग डिफरेंट नंबर्स विद फ्रॉम द बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट इज कंपेयरिंग द नंबर अगेंस्ट प्रीवियस ईयर्स इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजंस. तो ये मैंने आपको कहा जब आप कंपैरिजंस करोगे, जब आप ये देखोगे कौन सुपीरियर है कौन इंफीरियर है, क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेसेस है, कहां पे आपकी एज है और कहां पे आप बिलो एज जाते हो अपने कॉम्पिटिटर्स के रिगार्डिंग, पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे आप डाउनफॉल हो कि अपस्ट्रीम है, कहाँ पे आपकी इनएफिशिएंसीज है कहाँ पे आपकी एफिशिएंसीज और इफेक्टिवनेस है. तो हर जगह हर चीज हर उसको एनालाइज करने के लिए इवेल्युएट करने के लिए रेशियो एनालिसिस. नो सोर्सेज ऑफ द फाइनेंशियल डेटा फॉर द एनालिसिस, दैट इज एनुअल रिपोर्ट जो आपके पास है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जब बिजनेस एक लिमिट से बड़े हो जाते हैं, या लिस्टेड कंपनीज जो होती हैं तो उनको इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी होती है, ठीक है जी. नोट्स टू अकाउंट्स आपके पास हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है, बिजनेस पीरियोडिकल्स हैं, क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हैं. तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ जहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आप रेशोज फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है जी. तो एक बात ध्यान रखना, जितनी रेशोज आपने पढ़ी हैं सिर्फ उतनी ही रेशो नहीं होंगी, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कुछ होगा. तो इसीलिए हर चीज की इंटरप्रिटेशन एनालाइजिंग समझनी पड़ेगी. और दूसरी चीज, एक बार आपने कोर्स कर लिया एनजी क्लासेस में तो कोई भी सब्जेक्ट जो भी हम पढ़ाते हैं जिसकी हम गारंटी लेते हैं आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटेड. चलो जी, टाइप्स ऑफ रेशोज की अगर मैं बात करूं तो बहुत प्यार से मैंने आपको समझाया था सबसे पहली बात. तो टाइप्स ऑफ रेशोज, लिक्विडिटी रेशोज और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज, लिवरेज रेशोज, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज. तो ये दोनों रेशोज जो अगर मैं बात करूं तो ये किस बेसिस पे हैं,
तो सॉल्वेंसी लिवरेज कैलकुलेट करती है. सॉल्वेंसी का मतलब वेदर द बिजनेस इज कैपेबल एनफ टू पे इट्स डेट्स वेन एवर दे बिकम ड्यू. शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म डेट्स. तो जब भी वो ड्यू होंगे, क्या बिजनेस इस हालत में है कि वो अपने वो डेट्स की ड्यू डेट पे पेमेंट कर पाएगा इजीली, या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन में कोई ना कोई दिक्कतें हैं. ठीक है जी. तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज कैसी हैं? कवरेज रेशियो का मतलब ये है, जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. तो इंटरेस्ट अगर बैंक आपको लोन दे तो उसका इंटरेस्ट बनेगा 1 करोड़ रुपए साल का. क्या आप वो 1 करोड़ रुपए साल का इंटरेस्ट इजीली पे कर पाओगे? दूसरा, प्रिंसिपल अमाउंट की सिक्योरिटी क्या कहती है? तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए वो आपका देखेगा ईबीआईटी कितना है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. लेट आपका ईबीआईटी 10 करोड़ है और उसका इंटरेस्ट बनेगा सिर्फ 1 करोड़, 10 टाइम्स. अरे वाह, बहुत सेटिस्फैक्टरी है. वो बैंक हंस के आपको लोन दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि अगर आपका ईबीआईटी 10-20% गिरता भी है तब भी उसका लोन का जो इंटरेस्ट है वो एकदम सिक्योर्ड है, कोई दिक्कत नहीं. बहुत ईजिली उसके इंटरेस्ट की पेमेंट हो जाएगी, तो आपको बहुत ईजिली लोन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो कवरेज रेशो. ठीक है जी. एक्टिविटी रेशोज, एफिशिएंसी रेशोज, परफॉर्मेंस रेशोज, टर्नओवर रेशोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज. तो परफॉर्मेंस रेशोज, टर्नओवर रेशोज. अब फॉर एग्जांपल आपने जो असेट्स लगा रखे हैं, वर्किंग कैपिटल बिजनेस में लगा रखे हैं, उसके रिलेशन में आप सेल्स कितनी जनरेट कर पाते हो. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपने असेट्स लगा रखे हैं 100 करोड़ के, तो बेटे सेल्स तो हजारों करोड़ रुपए की होनी चाहिए ना. या असेट्स लगा रखे हैं 100 करोड़ के, सेल्स है 10 करोड़ रुपए, इसका मतलब आपने बहुत ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जबकि सेल्स आपके पास बिल्कुल भी नहीं है. तो ये एकदम बिल्कुल वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है. तो इसका मतलब आपने ध्यान नहीं दिया कि किस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपको बिजनेस सेटअप करना चाहिए. तो इसका मतलब आप बहुत सारे रिसोर्सेज की वेस्टेज कर रहे हो. तो अब उन रिसोर्सेज को कैसे अल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं ताकि आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सको, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा. अनलेस एंड अनटिल आपकी सेल्स मल्टीप्लाइड फैक्टर में इंक्रीज हो. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टर्नओवर रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज. अच्छा, एक चीज और होती है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन रेशियो. तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात करूं या टर्नओवर रेशियोज की बात करूं, तो हाउ एफिशिएंटली यू आर यूजिंग योर रिसोर्सेज टू जनरेट द रेवेन्यू, एंड देन हाउ एफिशिएंटली यू आर यूजिंग द इनपुट रिसोर्सेज सो एज टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपकी क्या क्या हैं, और आपने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं उसके रिलेशन में आप सेल्स कितनी कर पाते हो. अच्छा, सेल्स तो आपकी बहुत सॉलिड है, बहुत जबरदस्त, लेकिन आप कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है. तो हर जगह से, हर एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की जाएगी. ठीक है जी. ओके, तो लिक्विडिटी रेशियोज, द टर्म लिक्विडिटी एंड द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी. तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को चेक करने के लिए है वेदर द बिजनेस इज कैपेबल एनफ, टू पे इट्स शॉर्ट टर्म डेट्स व्हेन एवर दे बिकम ड्यू. तो जब भी आपके शॉर्ट टर्म डेट्स ड्यू होंगे, क्या आप उनको पे करने के हालात में रहोगे? और पूरा का पूरा लॉजिक पोस्टमार्टम के साथ मैंने आपको करा रखा है कि कोई भी रेशो ऐसी ही क्यों होती है. और सबसे पहली बात तो उसके जो फॉर्मूले होते हैं आप खुद इंटरप्रेट कर सकते हो, आप एकदम ऐसे कर सकते हो, मजा आ गया है ना. ठीक है जी, चलो खैर, दैट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज. तो करंट रेशो, दैट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, बिल्कुल सही बात है, हो जाएगा. तो यही मैंने आपको रीजन बताया कि हम सॉल्वेंसी रेशोज क्यों फाइंड आउट करते हैं, लिक्विडिटी रेशोज क्यों फाइंड आउट करते हैं शॉर्ट टर्म. तो करंट रेशो में जितने भी करंट असेट्स आपके पास हैं, इन्वेंट्रीज है, सनी डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, रिसीवेबल्स, एक्रूअल्स, लोन्स एंड एडवांसेस, डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, एनी अदर करंट असेट्स. तो करंट लायबिलिटीज है, बिल्कुल सही बात है. तो क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि ये भी एक करंट लायबिलिटी ही है. प्रपोज्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, क्योंकि आपको पे करना कंपलसरी है ये, एंड एनी अदर करंट लायबिलिटीज. अब ये भी मैंने आपको रीजन बता रखा है कि 2:1 सेटिस्फैक्ट्री क्यों होता है, और फिर क्विक रेशो 1:1 सेटिस्फैक्ट्री क्यों होती है. एनजी पोस्टमार्टम करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना. तो हर चीज का मैंने आपको ऑलरेडी रीजन दे रखा है. तो क्विक रेशो 1:1 सेटिस्फैक्ट्री होती है, और ऐसा क्यों होता है वो आपको पता है. तो क्विक असेट्स, करंट लायबिलिटीज. तो क्विक असेट्स क्या होते हैं? तो करंट असेट्स में से आप इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस वो सब माइनस कर देते हो, दो चीजें, तो आपके पास आ जाता है करंट लायबिलिटीज. आपको पता ही है क्या होती है.
ठीक है जी, तो इंटरप्रिटेशन तो ये 1:1 सेटिस्फैक्टरी क्यों होती है, यही फॉर्मूले क्यों होते हैं, मैंने ये भी समझाया आपको करंट रेशो सी अपॉन सी एल ही क्यों होती है। ठीक है जी, ठीक है जी, तो वो एनजी पोस्टमार्टम और ये तो हमारा रिवीजन है। खैर, तो कैश रेशो इज एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो, द कैश रेशो मेजर्स द एब्सोल्यूट लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस, एकदम एब्सोल्यूट। ठीक है जी, तो कैश रेशो की बात करेंगे तो कैश रेशो तो बिल्कुल ही एकदम एब्सोल्यूट फिगर की हम बात कर रहे हैं, विच इज जस्ट इक्विवेलेंट टू कैश। तो कैश रेशो, द रेशो कंसिडर्स ओनली द एब्सोल्यूट लिक्विडिटी अवेलेबल विद इन द फर्म, द रेशो इज कैलकुलेटेड एज। तो कैश एंड बैंक बैलेंसेज एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज अपॉन करंट लायबिलिटीज, और कैश एंड बैंक बैलेंसेज प्लस करंट इन्वेस्टमेंट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो विच इज एज कैश, जस्ट कैश। अगर किसी के पास कैश ही 10 करोड़ रुपए है तो उसे क्रेडिटर 10 करोड़ रुपए की उधार देने के लिए कभी भी रेडी हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना सा भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसका एक एवरेज कैश मेंटेनेंस है ही इतना, तो उतने रुपए तक का तो क्रेडिटर कभी भी उधार दे देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी, द एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो ओनली टेस्ट द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इन टर्म्स ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज अपॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नाउ डी, बेसिक डिफेंसिव इंटरवल और इंटरवल मेजर, बेसिक डिफेंसिव इंटरवल, कैश एंड बैंक बैलेंसेज प्लस नेट रिसीवेबल्स, नेट रिसीवेबल्स जितने भी प्रोविजन या जो कुछ भी कंटिजेंसी है सब माइनस कर दो, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज अपॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज सेज 360। तो करंट असेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंसिज ऑन इन्वेंट्रीज ये सब माइनस कर दो, एक तरीके से लिक्विड रेशो आ गया अपॉन डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसिज आपके पास आ गया। तो बेसिक डिफेंसिव इंटरवल आ जाएगा। ओके, तो डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकालोगे आप, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो आप पूरे साल में किया, सेलिंग एंड डेस्टिनेशन एंड अदर जनरल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन में क्योंकि कैश इन्वॉल्व नहीं होता उसे हटा दो, एंड अदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स जो भी आपने माइनस कर रखे हैं उनको सबको हटा दो, अपॉन नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। तो लेट पूरे साल में आप 365,000 रुपीज खर्च करते हो डिवाइडेड बाय 365, तो 1,000 रुपीज पर डे आप खर्च करते हो। अब आपके पास जो लिक्विड असेट्स हैं लेट वो एक तरीके से 1 लाख रुपए के हैं, ठीक है जी, तो 100 डेज, तो 100 डेज का एक डिफेंसिव इंटरवल आपके पास आ गया है। ओके, इफ फॉर सम रीजन ऑल द कंपनीज रेवेन्यूज वर टू सडनली सीज, सारे रेवेन्यू सीज हो जाए, बंद हो जाए, द बेसिक डिफेंसिव इंटरवल वुड हेल्प डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द कंपनी कैन कवर इट्स कैश एक्सपेंसिस विदाउट द एड ऑफ एडिशनल फाइनेंसिंग। सिंपल सी बात है, तो अगर कोई रेवेन्यू कोई नई चीज ना आए तो जो आपके पास ऑलरेडी लिक्विड असेट्स है, मतलब इन्वेंट्री हटा दो और प्रीपेड एक्सपेंसिस हटा दो, तो इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसिस आपने हटा दिए हैं, तो लिक्विड असेट्स 1,000 रुपए कैश एक्सपेंस आपका है ये पर डे का, 1 लाख रुपए के आपके लिक्विड असेट्स हैं, तो 100 डेज, तो 100 डेज तक आप वो चीज रन कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो, अगर एक भी रुपए का कोई नया रेवेन्यू या कोई अदर ऑपरेटिंग कैश जनरेटिंग एबिलिटी ना हो आपके पास, तो आप 100 डेज तक वो सारे कैश एक्सपेंसिस को मेंटेन कर सकते हो, पता होना चाहिए बिजनेस को, बिल्कुल पता होना चाहिए। नेटवर्किंग कैपिटल, तो नाम से पता चल रहा है नेटवर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी। नाउ नेटवर्किंग कैपिटल इज मोर अ मेजर ऑफ कैश फ्लोज देन अ रेशो, तो ये रेशो तो होती नहीं है, कैश फ्लो है एक तरीके का। द रिजल्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर, हाउएवर इन सर्टेन बिजनेस मॉडल्स इट मे बी नेगेटिव, इट इज कैलकुलेटेड एज शोन बिलो। नेटवर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, दैट इज एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म बैंक बोरिंग्स, तो शॉर्ट टर्म बैंक बोरिंग्स को हटा देना, करंट लायबिलिटीज में काउंट मत करना, फिर कैलकुलेट करो, बहुत खूब। तो असल में नेटवर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हो गया, देखो जब भी नेट की बात आएगी इसका मतलब कुछ ना कुछ माइनस हुआ है, तो करंट लायबिलिटीज माइनस करिए आपने। अब नेटवर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है, नेटवर्किंग कैपिटल नेगेटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब है करंट असेट्स आर मोर देन करंट लायबिलिटीज, तो लेट करंट असेट्स में हमने 10 लाख रुपए लगा रखे हैं और हमें करंट लायबिलिटीज मार्केट से जो उधार मिली वो 4 लाख की मिली, तो इसका मतलब हमारे 6 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्टेड हैं। और अगर ये नेगेटिव हो जाए, बल्ले बल्ले, राजा आदमी है वो, राजा राजा किंग है किंग,
तो इसका मतलब करंट असेट्स 10 लाख के हैं लेट, और लेट करंट लायबिलिटीज हैं 15 लाख की। तो इसका मतलब हमारे बिजनेस का साइज बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। तो करंट लायबिलिटीज ज्यादा हैं, करंट असेट्स कम हैं। अच्छा, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये नेगेटिव किस पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये नेगेटिव इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया करंट लायबिलिटीज आपकी ज्यादा हो गई हैं करंट असेट से, ऐसा कैसे हुआ, हाउ इज इट पॉसिबल। ठीक है जी, तो इसका मतलब आपका पैसा तो बिजनेस में लगा हुआ नहीं है, पब्लिक का पैसा आपने अपने बिजनेस में लगा रखा है। अब आपके बिजनेस के बारे में जो दुआएं हैं वो पब्लिक बहुत करती है, भाई साहब ये बिजनेस बंद ना हो जाए वरना ये लोग डूब जाएंगे, बाबा रे। ठीक है जी, बेसिकली क्या होता है कि आपने मार्केट से चीजें उधार ली, रॉ मटेरियल समथिंग, माल बनाया, बेचा कैश में, और वो कैश आपने ड्राइंग्स के रूप में विड्रॉ करा, खूब खुला खर्चा चल रहा है आपका घर में, भाई साहब मजा आ रहा है, खूब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पब्लिक के पैसे से आप बिजनेस में मजे कर रहे हो, हालांकि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम है, क्योंकि आपकी करंट लायबिलिटीज ज्यादा है, करंट असेट्स कम है। लॉजिकली देखा जाए तो आपको नई उधार नहीं मिलनी चाहिए, या आप कहीं पे भी शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंस के लिए जाओगे तो आपको वो बैंक फाइनेंस नहीं मिलेगा, आपकी बैलेंस शीट एक एडिक्वेट अप्रोप्रिएट बैलेंस शीट नहीं है, ये गलती पिक्चर शो कर रही है। ओके, तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए वो जनरली पॉजिटिव होनी चाहिए, ताकि वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर सके। नाउ बैंकर्स टुक लुक एट नेट वर्किंग कैपिटल ओवर टाइम टू डिटरमाइन अ कंपनीज एबिलिटी टू वेदर फाइनेंशियल क्राइसिस, लोन्स आर ऑफन टाइड टू मिनिमम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ऑब्वियस ही बात है, तो यहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस है तो करंट असेट्स कम है, करंट लायबिलिटीज ज्यादा है, ये बंदा कैसे अपनी करंट लायबिलिटीज को पेमेंट करेगा। पता चला एक टाइम पीरियड में उसको असेट्स, लॉन्ग टर्म असेट्स बेच बेच के अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी पड़ रही है, तो इस बिजनेस की जो फाइनेंशियल वीकनेसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो वही मैंने आपसे कहा कि अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए कोई शॉर्ट टर्म लोन चाहिए होगा तो आपको नहीं मिलेगा, बिजनेस में बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। तो ये जो आपने उधार ले लेके कैश में माल बेच बेच के ड्रॉइंग्स कर रखे हैं जिसकी वजह से ये हालत आ रही है आपकी, तो भैया जरा इसको जरा चेंज करो भैया, फटाफट से जरा करंट असेट्स को थोड़ा सा बढ़ाओ, करंट लायबिलिटीज को थोड़ा सा कम करो, पॉजिटिव लेके आओ भैया जरा इसको। ठीक है जी, नाउ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज और लिवरेज रेशियोज। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, तो आपने बैंकों से लॉन्ग टर्म लोन्स ले रखे हैं या लेना चाहते हो, तो वो सब बैंक चेक करेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, वेदर द बिजनेस इज कैपेबल एनफ टू पे इट्स लॉन्ग टर्म डेट्स वेन एवर दे बिकम ड्यू। अब लॉन्ग टर्म डेट्स में एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, एक इंटरेस्ट होता है, एक इंस्टॉलमेंट्स होती है, तो कवरेज रेशो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि कवरेज रेशो क्या कहती है, आपका ईबीआईटी क्या कहता है, कि आप इंटरेस्ट की एडिक्वेट अप्रोप्रिएट पेमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। फ्यूचर में अगर आपका बिजनेस 20-30-40% से अगर कम भी हो जाता है, ईबीआईटी आपका 20-30-40% से कम हो जाता है, तब भी आप क्या एडिक्वेटली अप्रोप्रिएटली टाइमली इजीली क्या इंटरेस्ट की पेमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो बैंक बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो लोन इशू करेगा, हर चीज हम हर पोस्टमार्टम हम सीख चुके हैं। ठीक है जी, द लिवरेज रेशियोज मे बी डिफाइंड एज दोज फाइनेंशियल रेशियोज विच मेजर द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। दीज रेशियोज इंडिकेट द मिक्स ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स एंड द लेंडर्स एंड एश्योर द लेंडर्स ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड्स विद रिगार्ड टू पीरियोडिक पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लोन एंड रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन द मैच्योरिटी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, लिवरेज रेशियोज आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज एंड द कवरेज रेशियो। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो इक्विटी है, डेट रेशियो है, इक्विटी टू डेट है, डेट टू इक्विटी है, डेट टू टोटल असेट्स है, कैपिटल गियरिंग रेशियो है, प्रोप्राइटरी रेशियो है। तो हर चीज मैंने बता रखी है आपको ऑलरेडी, कैपिटल गियरिंग, गियरिंग का मतलब होता है रिस्क, रिस्क मतलब लिवरेज। तो रिस्क बियरिंग सिक्योरिटीज आपकी जो हैं, मतलब फिक्स्ड रेट है जिसमें, जैसे प्रिफरेंस शेयर कैपिटल है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स हैं, अपॉन में रिस्क फ्री मतलब जिसमें कोई फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है, दैट इज इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो इक्विटी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो ये हमको बताता है कि ऑलरेडी आपके बिजनेस में जो रिस्क है वो कितना है, कितना वास्ट है। तो बैंक्स आपको नया लोन देंगे या नहीं देंगे, और अगर आपके बिजनेस में रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है,
तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अगर रिस्क बढ़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो प्रेजेंट वैल्यू छोटी से छोटी आती चली जाएंगी। इसका मतलब आपके बिजनेस में किसी भी चीज की जो वैल्यूएशन होगी, वैल्यूएशन कम से कम होने लग जाएगी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे ध्यान दो। तो इस चैप्टर को टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर से अगर हम जोड़ेंगे तब जाके हम सही तरीके से एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे, डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। तो रिस्क फैक्टर कम से कम रखना है, मैंने पहले ही चैप्टर में आपको बता दिया था कि एक लेवल तक आप रिस्क बेयर कर सकते हो, एक लेवल से ज्यादा रिस्क बेयर नहीं कर सकते, इन्वेस्टर भाग जाएंगे। समझो, हर चीज को बहुत प्यार से मैंने पोस्टमार्टम कराया और हर टॉपिक का, टॉपिक के अंदर भी जितने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट का, हर चीज का पोस्टमार्टम सिखाया आपने, वही है एजुकेशन। तो कवरेज रेशो देखो, डेट सर्विस कवरेज रेशो, तो डेट सर्विस कवरेज रेशो, उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, दोनों चीजें, आप कितना आप अर्न कर रहे हो हर साल, जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, जो कैश जनरेटिंग एबिलिटीज हैं, उसके बेसिस पे आप कितना टाइम्स उसका कवर करते हो। क्योंकि अगर बाय चांस वो थोड़ा सा डिक्रीज भी करता है तब भी क्या आप बैंक की वो इंस्टॉलमेंट, वो इंटरेस्ट इजीली पे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो देखो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ गया, प्रिफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो आ गया, है ना, फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशो आ गया, जो भी आपके फिक्स्ड चार्जेस हैं क्या आप उनको एडिक्वेट एप्रोप्रिएटली कवर कर सकते हो, अगर आपकी अर्निंग्स, अगर आपका प्रॉफिट, अगर आपकी कैश जनरेटिंग एबिलिटी थोड़ी सी डिक्रीज कर जाए तो, तब भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है जी, तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज, तो दीज रेशोज प्रोवाइड एन इनसाइट इन टू द फाइनेंसिंग टेक्निक्स यूज्ड बाय अ बिजनेस एंड फोकस एज अ कंसिक्वेंस ऑन द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजिशंस। ठीक है जी, अब देखो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर से जोड़ूं, हालांकि पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज है कि बिजनेस नया है या वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है। तो मैंने आपको बताया था विद रीजन, विद फैक्ट्स, विद लॉजिक, अगर बिजनेस नया है तो हमें इक्विटी शेयर कैपिटल पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, और अगर बिजनेस वेल एस्टेब्लिश्ड है तो लॉन्ग टर्म डेट्स पे हम जा सकते हैं, बट डिपेंड्स कि हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है और जो कॉस्ट ऑफ डेट है उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है कॉस्ट ऑफ डेट से, तो डेट अगर आप इश्यू करते हो तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का आपको बेनिफिट मिलेगा, और वैल्यू, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर विल इंक्रीज, जो कि हमने डिविडेंड डिसीजन चैप्टर में भी सीखा और थ्योरेटिकली भी सीखा, हर जगह सीखा, लिवरेज चैप्टर में हमने सीखा बेसिकली। लेकिन अगर ROI कम है कॉस्ट ऑफ डेट से तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा इक्विटी को, तो उस केस में आपको डेट इशू नहीं करना चाहिए, इक्विटी के पास जाना चाहिए अगर आपको फंड्स की जरूरत है। नहीं तो सबसे पहले अपने ROI पे काम करना चाहिए, उसे इंक्रीज करना चाहिए, फिर आपको आगे फंड्स जुटाने चाहिए। नाउ फ्रॉम द बैलेंस शीट वन कैन गेट ओनली द एब्सोल्यूट फंड एम्प्लॉयड एंड इट्स सोर्सेज, बट ओनली कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज शो द रिलेटिव वेट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज। वेरियस कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज आर इक्विटी रेशोज, तो शेयर होल्डर्स इक्विटी अपॉन नेट असेट्स। तो नेट असेट्स आपने लगा रखे हैं, शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है वो कितनी है, तो शेयर होल्डर्स इक्विटी की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है जी, इज इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स एटसेट्रा, क्योंकि फिक्टिशियस असेट्स तो काउंट होते ही नहीं है, मतलब मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को माइनस करने के बाद, सिंपल सी बात। नेट असेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड आप कुछ भी बोल सकते हो, तो नेट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स एंड नेट करंट असेट्स, दैट इज करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो दिस रेशियो इंडिकेट्स प्रोपोर्शन ऑफ ओनर्स फंड टू टोटल फंड्स इन्वेस्टेड, तो टोटल फंड जो इन्वेस्टेड है उसमें ओनर का फंड कितना है इन द बिजनेस। ट्रेडिशनली इट इज बिलीव दैट हायर द प्रोपोर्शन ऑफ ओनर्स फंड लोअर इज द डिग्री ऑफ रिस्क फॉर पोटेंशियल लेंडर्स। नाउ द वर्ड यूज इज ट्रेडिशनली, लेकिन जब हमने लिवरेज एनालिसिस की तो पॉजिटिव लिवरेज की अगर हमने बात की, ROI इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, इस केस में डेट जितना ज्यादा से ज्यादा होगा अर्निंग पर शेयर उतना मैक्सिमम होगा और मार्केट में शेयर का प्राइस भी उतना मैक्सिमम होगा, तो आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर सकते हो अगर डेट ज्यादा से ज्यादा रखोगे तो। पूरा का पूरा लॉजिक मैंने चैप्टर वाइज हर चीज थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली हर तरीके से आपको समझाई है, ठीक है जी। तो इक्विटी रेशो, तो नेट असेट जो आपके पास है या कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको आप बोल सकते हो,
तो नेट फिक्स्ड एसेट्स आपको पता ही है, टोटल फिक्स्ड एसेट्स में से एक्युमुलेटेड डेप्शन माइनस कर दिया, और नेट करंट एसेट्स दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको जो वो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं फॉर्मुले बनाने के, सोचने समझने के जलवा। तो इक्विटी रेशियो दैट इज शेयरहोल्डर्स इक्विटी अपॉन नेट एसेट्स। नाउ द डेट रेशियो, तो जैसे इक्विटी रेशियो ऐसी डेट रेशियो, नेट असेट्स में टोटल डेट का क्या हिस्सा है, तो टोटल डेट और टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, इसीलिए टोटल वर्ड यूज हुआ है। फ्रॉम फाइनेंसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, डेफर्ड पेमेंट्स अरेंजमेंट्स फॉर बाइंग कैपिटल इक्विपमेंट्स, बैंक बोरिंग्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड एनी अदर इंटरेस्ट बियरिंग लोन्स, किसी भी तरीके का कोई भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म किसी भी तरीके की डेफर्ड पेमेंट भी हो सकती है, डेफर्ड लोन भी हो सकता है, व्हाटएवर द केसेस, हर चीज। तो दिस रेशियो इज यूज टू एनालाइज द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म। अ रेशियो ग्रेटर देन वन वुड मीन ग्रेटर पोर्शन ऑफ द कंपनी असेट्स आर फंडेड बाय डेट एंड कुड बी अ रिस्की सिनेरियो। लेकिन असल में क्या होता है, इस रेशियो को आप आइसोलेशन में नहीं दे सकते। जब आप ये रेशियोज देख रहे हो तो इसके साथ साथ आपको आरओआई एंड कॉस्ट ऑफ डेट की रिलेशनशिप भी देखनी पड़ेगी, इसके साथ साथ आपको शॉर्ट एनालिसिस भी करनी पड़ेगी कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस किस तरीके के अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स या वीकनेस और स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और बिजनेस किस हिसाब से अप्रोच कर रहा है। तो ये सब फैक्टर्स जब एक साथ मिलेंगे तब सही पिक्चर आएगी, सिर्फ एक रेशो से आप एनालाइजिंग नहीं कर सकते। तो अगर आरओआई आपका बहुत सॉलिड है, केडी से बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत बढ़िया है, तो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अगर रिस्क थोड़ा सा हाई होता भी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आरओआई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप प्रॉफिट जनरेट कर करके ही अगर उसे रिटेन्ड अर्निंग में कन्वर्ट करते हो तो विद इन फ्यू ईयर्स, 3 or 5 years वो डेट अपने आप छोटा हो जाएगा और आपका कैपिटल बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो वो रिस्क परसेप्शन उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी एनालाइज हो सकता है, क्योंकि अगर आरओआई आपका बहुत सॉलिड है और फ्यूचर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी शॉर्ट एनालिसिस भी बहुत सॉलिड है, तो मैं कहता हूं फिलहाल अगर आपका ये रिस्क परसेप्शन थोड़ा सा हाई है तो होने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विद इन 3 to 5 years आप बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आ जाओगे। ठीक है जी, तो ये डेट रेशो हो गई। नाउ डेट टू इक्विटी रेशो, तो डेट टू इक्विटी रेशो में जनरली हम लॉन्ग टर्म डेट लेते हैं जनरली, तो लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयरहोल्डर्स इक्विटी। However, total outside liabilities upon shareholders' equity, that is total debt upon shareholders' equity. Not merely long-term debt, both current and non-current liabilities दोनों आ जाते हैं, लेकिन generally हम long-term debt लेते हैं। Sometimes only interest-bearing or long-term debt is used instead of total liabilities exclusive of current liabilities. ठीक है। अब debt equity ratio, फिर वही कहानी हो गई। debt equity ratio की अगर मैं बात करूं तो owners ने जो fund लगा रखा है, इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी, तो आउटसाइड पब्लिक का कितना फंड लगा हुआ है, इंटरनल इक्विटी कितनी लगी हुई है, क्योंकि आउटसाइड जो लोगों ने पैसा लगा रखा है, अगर बिजनेस इंस्टॉलमेंट होता है, लिक्विडेट होता है, वाइंड अप होता है, तो असेट्स बेच के पहले आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट होती है, फिर इंटरनल इक्विटी की पेमेंट होती है। तो ऐसा ना हो कि ओनर्स का पैसा इतना कम हो कि अगर बिजनेस को जरा से भी लॉसेस होते हैं तो बेचारे लेंडर्स को ही नुकसान उठाना पड़ जाएगा, क्योंकि कोई सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, ओनर ने अपने बहुत कम फंड्स लगा रखे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ओनर ने लगा रखे हैं 100 करोड़, इसने लगाए 200 करोड़, तो टोटल प्रॉपर्टी जो जनरेट हुई वो 300 करोड़ की हुई। तो 300 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच के लेट 200 करोड़ की पेमेंट हो सकती है, तो ये एक सेटिस्फैक्ट्री है, ये एक सेटिस्फैक्ट्री चीज़ है, हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसीलिए 2:1 को एक सेटिस्फैक्ट्री फिगर माना जाता है, बाकी पूरा का पूरा लॉजिक मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया ही है। ठीक है जी, अ हाई डेट टू इक्विटी रेशियो हेयर मींस लेस प्रोपोर्शन फॉर प्रोटेक्शन फॉर क्रेडिटर्स, अ लो रेशियो ऑन द अदर हैंड इंडिकेट्स अ वाइडर सेफ्टी कुशन, क्रेडिटर्स फील द ओनर्स फंड कैन हेल्प एब्जॉर्ब पॉसिबल लॉसेज ऑफ इनकम एंड कैपिटल। बिल्कुल सही बात है ना भाई, ओनर ने 100 करोड़ रुपए लगा रखे, इन्होंने 200 करोड़, अगर बिजनेस बंद होता है पहले इनको पेमेंट होगी, तो ये जो 100 करोड़ का कॉर्पस यहाँ पे है उनके फंड्स के साथ, तो इनको पता है कि अगर इनको कोई भी लॉस होगा बिजनेस को तो वो लॉस ये बियर करेगा पहले,
तो इनको इनका पैसा मिलने की जो एश्योरेंस है वो बहुत हाई है, अगर ओनर ने बहुत अच्छा एडिक्वेट अमाउंट ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो। तो सिक्योरिटी, बस ऑब्वियस बात है, सिक्योरिटी वाली बात है। दिस रेशियो इंडिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ डेट फंड्स इन रिलेशन टू इक्विटी, बिल्कुल सही बात है। दिस रेशियो इज वेरी ऑफन यूज फॉर मेकिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस सच एज इशू ऑफ शेयर्स एंड और डिवेंचर्स, क्योंकि अगर ऑलरेडी डेट बहुत ज्यादा है तो अब आप डिवेंचर्स इशू नहीं करोगे, पैसा जुटाने के लिए इक्विटी इशू करोगे। लेंडर्स आर ऑल्सो वेरी कीन टू नो दिस रेशियो सिंस इट शोज रिलेटिव वेट्स ऑफ द डेट एंड इक्विटी। डेट इक्विटी रेशियो इज द इंडिकेटर ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल लिवरेज रिस्क। तो किस परसेप्शन के हिसाब से रिस्क क्या रेशियो में आप बियर कर रहे हो, तो एक लेवल से ज्यादा रिस्क बियर नहीं कर सकते आप। तो यह नहीं हो सकता कि इक्विटी ने लगा रखे हो 1 करोड़ और आप लॉन्ग टर्म लोन ले लो 1000 करोड़, तो टोटल असेट्स आपके पास हुए 1001 करोड़। इसका मतलब अगर थोड़ा सा भी नुकसान हुआ तो आप लेंडर्स को पूरा पैसा पे नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा रिस्क है, आपको लोन मिलेगा ही नहीं इस लिमिट तक के लिए। ठीक है जी, चलो जी। तो डी पॉइंट पहले आप यहां तक थोड़ा सा रिवाइज कर लो, वैसे तो बहुत मस्त तरीके से हम हर चीज का पोस्टमार्टम कर ही चुके हैं, तो फटाफट से एक रिवीजन मार रहे हैं, क्वेश्चंस भी करेंगे सारे के सारे, तो पूरा का पूरा मॉड्यूल हम कवर करने वाले हैं, हर सब्जेक्ट में हम करते हैं तो मजा आएगा। चलो जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय। आहा आहा आहा।